तो कैसे हैं यार दोस्तों, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बहुत से लोग एक फोटो शेयर कर रहे हैं और ये फोटो के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी लगा क्योंकि अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी बहुत से लोग इस चीज़ से अभी तक अवगत नहीं हैं और उनको नहीं पता। तो जो भी लोग सुशांत सिंह राजपूत के केस में इंसाफ की मांग कर रहे हैं उनके लिए क्लैरिटी लेके आया हूँ कि उनको ये क्लियर रहे कि आखिर पूरा विषय क्या है। अब देखो क्या हुआ, डेनो मोरिया ने एक ट्वीट किया था जिसमें उसने सुशांत सिंह राजपूत का जब न्यूज़ आया था कि भैया उनकी मृत्यु हो गई तो अपने कंडोलेंसेस पे किए थे। लेकिन अब क्या होता है कि बहुत से लोग ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे फोटो शेयर कर रहे हैं डेनो मोरिया की, जिसके अंदर दिखता है कि उन्होंने सुबह 5 बजे ही ट्वीट कर दिया था कि सुशांत की मृत्यु। लेकिन सुशांत की मृत्यु की खबर तो सभी को दोपहर में आई थी, मतलब दिन में 2 बजे के तकरीबन आई थी। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि उन्होंने सुबह कर दी? और बहुत से लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें डेनो मोरिया जो है उन्होंने पहले ही, उन्हें पता लग चुका था कि मृत्यु हो गई और तब उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन इसमें मैं आपको फैक्चुअली बताना चाहता हूं कि ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो ट्वीट किया है वो किया है 2 बजे के बाद ही, लेकिन उन्हें पता है या नहीं पता इस पे मैं नहीं बोल रहा। बिल्कुल मैं मानता हूं मर्डर है और बिल्कुल मैं मानता हूं कि भैया ये व्यक्ति लिप्त हो सकता है, लेकिन बात ये है कि जो आप ट्वीट की बात कर रहे हो वो झूठी है। कैसे, अब मैं आपको बता देता हूं। अब देखो, जिसने भी ये स्क्रीनशॉट लिया है ना, वो है भैया किसी और देश का व्यक्ति, वो भारत का व्यक्ति नहीं है। तो जिस टाइम पे उसने स्क्रीनशॉट लिया उस टाइम पे सुबह हो रही थी और हमारे देश में उस टाइम दोपहर हो रही थी। तो इस कारण से ये पूरा एक इशू क्रिएट हुआ है। लोगों को इतना समझना पड़ेगा कि डेनो मोरिया ने जो ट्वीट किया है वो दोपहर में ही किया है, तो यानी कि इसमें कोई बड़ा ऐसा कुछ नहीं है दिमाग लगाने जैसा। अगर आप अभी तक यही सोच के बैठे हो कि डेनो मोरिया ने ट्वीट करके डिलीट कर दिया, तो ऐसा भी नहीं है। उसने कोई ट्वीट डिलीट नहीं किया है, वही सेम ट्वीट है। आप अगर दूसरी कंट्री से देखोगे तो टाइम जोन का डिफरेंस आएगा, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको अगर आप अभी तक इस चीज़ में हो। तो मैंने सोचा आपको वीडियो के तौर पर क्लियर कर दूँ क्योंकि बहुत से लोग अभी तक इसी चीज़ में फंसे हुए हैं। बहुत से यूट्यूबर्स ऐसी बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि ये बताते फिर रहे हैं कि भैया देखो डेनो मोरिया ने अलग टाइम पे ट्वीट किया, उसे पहले से पता था वो कातिल है। तो थोड़ा सा संभल जाओ, रुक जाओ, गलत दिशा में जाओगे तो इससे क्या होगा, डेनो मोरिया को आप पॉइंट दे रहे हो। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ क्या होगा ना। जब आप गलत दिशा में जाओगे जस्टिस की बात करते हुए कि डेनो मोरिया को ये कहोगे कि भैया तुमने तो सुबह ही ट्वीट कर दिया था, तुम तो कातिल हो, वो हंसेगा, वो इसी पॉइंट को पकड़ेगा और आपको क्या बोलेगा, वो क्या मीडिया ये छापेगी कि अरे देखो ऐसे सारियंस तो बेवकूफ़ हैं, इनको तो यही नहीं पता कि भैया ये स्क्रीनशॉट अलग टाइम जोन का है और इसके कारण वो इसको स्प्रेड कर रहे हैं फेक न्यूज़ को। तो इस कारण से क्या होगा, छवि आपकी बिगड़ जाएगी, आप जो इतनी लड़ाई लड़ रहे हो उसके ऊपर ये आ जाएगा, लोग ये सोचेंगे आम पब्लिक कि भैया जो सुशांत के लिए आवाज़ उठा रहे हो वो तो बेबुनियाद आवाज़ उठाते हैं, कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई फैक्ट ही नहीं है, बेवकूफ़ है। तो आप जितना ही मर्डर मर्डर बोलो उसके बाद यही लगेगा, ये मीडिया वाले फटाक से छाप देंगे कि सुशांत के लिए आवाज़ उठाने वाले जो मर्डर मर्डर कर रहे हैं सीबीआई ने तो सुसाइड बोल दिया, और आम पब्लिक भी ये समझ बैठेगी तो आप ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करते हो, कोई समझदारी नहीं है इसमें, है ना। तो जब आप इस तरह के ट्वीट्स, और सबसे मेन बात है ये ट्वीट्स फैलाते भी वही हैं जो सुशांत के लिए आवाज़ उठा रहे, तो ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। जो कुछ भी फैला देंगे, कुछ भी झूठ फैला देंगे और आप लोगों को ब्रेन वॉश करेंगे, तो थोड़ा सा समझदारी से चलो। मैं इस वीडियो में वापस से आपको क्लियर करना चाहूँगा कि डेनो मोरिया को अगर आप इस पॉइंट को लेकर टारगेट कर रहे हो ना, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। डेनो मोरिया को आप इस पॉइंट को लेकर टारगेट कर रहे हो अगर कि भैया रिया चक्रवर्ती उसके घर गई, गई ना, क्यों गई, समझदारी वाले बात है, समझदारी वाला सवाल है। लेकिन ये अगर आप कर रहे हो कि भैया उसने सुबह किया और उसको पहले से पता था, तो गलती कर रहे हो, ठीक है, आपकी बेवकूफ़ी होगी, मीडिया वाले 2 मिनट में आपको लपेट लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के जो पोस्ट है इसको शेयर मत करो, स्प्रेड मत करो, ये वीडियो को स्प्रेड करो जिससे कि जो लोग डाउट में हैं उनको क्लियर हो जाए कि टाइम जोन का डिफरेंस है। जिसने उस टाइम पे स्क्रीनशॉट लिया वो दूसरे देश में था, उस टाइम पे उसके वहाँ पे ये टाइम हो रहा था, उसने सोशल मीडिया पे शेयर किया आपको मूर्ख बनाने के लिए और लोग अब इसको स्प्रेड करते जा रहे हैं, तो ऐसी गलती मत करना। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, OSKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।